हेलो फ्रेंड, आज की शुरू हम जानने वाले हैं PGDCA और कोपा कोर्स के बारे में। आखिर इन दोनों में आपके लिए कोर्स कौन सा बेटर है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आगे भी सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं आखिर इन कोर्सों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बेस्ट होता है आपके लिए। What is the difference between a PGDCA and COPA in ITI? Which is better? तो फ्रेंड, बात करूँ अगर इन कोर्सों की तो दोनों ही एक कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स हैं। PGDCA and COPA both are computer related course, but eligibility for is different. यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से ये दोनों डिफरेंट होते हैं। बात करूं अगर PGDCA की फुल फॉर्म की तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है। वहीं कोपा कोर्स के फुल फॉर्म की बात की जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। फॉर कोपा मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास एंड फॉर PGDCA यू मस्ट हैव ए टू ग्रेजुएट। तो फ्रेंड, बात करूं अगर कोपा कोर्स को करने की तो इसमें आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, इसे आप कर सकते हैं। और अगर बात करें वहीं PGDCA कोर्स को करने की, एक ग्रेजुएट लेवल कोर्स है। एज द बेसिक एलिजिबिलिटी डिफरेंट, सो कोर्स स्ट्रक्चर इज आल्सो डिफरेंट। तो फ्रेंड, इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि पढ़ाई करने का जो आपका तरीका है वो भी बहुत ही अलग होता है, क्योंकि जो कोपा कोर्स है ये एक ITI ट्रेड है। इसमें आपको बेसिक ट्रेड बताई जाती है, बेसिक यानी कि शिक्षा दी जाती है कंप्यूटर रिलेटेड से। इन कोपा यू लर्न अबाउट बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें आपको बेसिक सी बातें बताई जाती हैं कोपा ट्रेड में, जिसमें आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कुछ बेसिक सी बातें और सीख लेते हैं। बट इन PGDCA यू कैन लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस इन सिमिलर टू BCA। तो फ्रेंड, आपने पता होगा बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन जो कोर्स है, इसका जो फीस सारा का सारा सिलेबस होता है वो इससे PGDCA से मेल खाता है और दोनों एक ही जैसे ही कोर्स हुए हैं। तो आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा। इसमें आपको पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, जावा या फिर आप कह सकते हैं पाइथन जैसी सभी लैंग्वेज आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद बात की जाए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इसमें बात कर लेते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बूथ द कोर्स इज डिफरेंट, क्योंकि इन दोनों कोर्सों की पढ़ाई अलग है तो इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट होने वाली हैं। यू कैन स्टार्ट द जॉब ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर आर बूथ कोर्स यू बट यू फाउंड द डिफरेंस इन सैलरी। तो फ्रेंड, दोनों ही स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई कंपनी में जाते हैं तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स मिल जाता है, पर जो वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। आफ्टर कोपा यू कैन स्टार्ट जॉब विद इन 7K to 10K विल आफ्टर, यानी कि आपको अगर कोई कंपनी में लगते हैं तो शुरुआती जो आपकी सैलरी होती है करीबन 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है अगर आप कोपा से करते हैं तो। विल आफ्टर PGDCA यू कैन स्टार्ट विन 12K एंड, यानी कि अगर आप इसे PGDCA से करते हैं तो यहाँ पर आपको करीबन 12,000 से लेकर 15,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था देखने को इसमें, यानी कि PGDCA और कोपा ट्रेड के बारे में आपको पूरा डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो भी डिफरेंट है, सैलरी डिफरेंट है और आपका जो सिलेबस होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए कौन सा है। तो अगर आप ग्रेजुएट करने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर PGDCA कोर्स करें, और अगर आप 10th प्लस टू करने के बाद ITI करने की सोच रहे हैं तो आप कोपा कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा 12वीं के बाद आप PGDCA कोर्स करें, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित और एक अच्छा कोर्स माना जाता है और इसकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और आगे बढ़ने का आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिखाई जाती हैं जो कि आज के दौर में बहुत ही कामगार होती हैं और बहुत ही यानी कि प्रचलन में होने वाली हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।